गुमास्ता लाइसेंस क्या होता है? गुमास्ता लाइसेंस बेसिकली, गुमास्ता लाइसेंस एक लाइसेंस है जो हर एक शॉप ओनर के पास में होना चाहिए, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या आपने कोई शॉप खोला है, जैसे किराने की दुकान हो गई, दूध की दुकान हो गई, कोई भी चीज़ की दुकान है, या आपने बिजनेस खोला है, ऑफिस खोला है, उस सिनेरियो में भी आपके पास में गुमास्ता लाइसेंस होना चाहिए। गुमास्ता लाइसेंस को शॉपिंग लाइसेंस भी बोलते हैं, कुछ स्टेट्स में उसको ट्रेड लाइसेंस भी बोलते हैं, लेबर लाइसेंस भी बोलते हैं। हम लोग गुमास्ता लाइसेंस जो है वो महाराष्ट्र स्टेट के लिए बनाते हैं, साथ में हम लोग बनाते हैं हरियाणा के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सरकारी फीस है लाइसेंस बनाने की और अलग अलग समय लगता है। अब महाराष्ट्र में भी जो मुंबई का लाइसेंस बनता है मुंबई के लिए वो अलग बनता है, और रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के लिए अलग लाइसेंस बनता है। मुंबई का लाइसेंस मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन देती है, जो दूसरा लाइसेंस है जैसे नागपुर का हो गया या कल्याण का हो गया या थाने का हो गया या पुणे का हो गया, वो अलग डिपार्टमेंट से मिलता है। गुमास्ता लाइसेंस में हमें जो है पेपर्स क्या क्या लगते हैं, पहले तो लगेगा आपको कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी का एड्रेस, कंपनी में कितने लोग काम करते हैं, उसमें लोगों में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, और कंपनी के मालिक का नाम क्या है। गुमास्ता लाइसेंस जो है ना वो आपका जो मेन उसमें फोकस है वो ये कि इस एड्रेस पे ये बिजनेस चल रहा है और इतने लोग काम कर रहे हैं, तो वो एड्रेस बेस्ड है। मतलब अभी एक कंपनी जो मेरे पास आई तो उन्होंने बोला कि समीर सर हमें गुमास्ता लाइसेंस बनवाना है, हमारा एक बिल्डिंग है सनशाइन बिल्डिंग, उसमें एक ऑफिस हमारा 7 माले पे है और एक 10 माले पे, एक ही बिल्डिंग में एक ही कंपनी है, लेकिन उनको बाजू बाजू में नहीं मिला, बड़ा जगह चाहिए था, तो उन्होंने 2 ऑफिस लिया। तो अब तुम मुझे बताओ कि उनको एक गुमास्ता लाइसेंस बनाना चाहिए या दो, एक की ज़रूरत लगेगी या दो की, बताओ? दो है तो दो की लगेगी। बराबर, दो की लगेगी। अगर उनका यही गाला बाजू बाजू में होता ना तो मैं एक में ही करवा देता, उसमें आता जैसे 601 602, एक में ही आ जाता, लेकिन 601 और 901 नहीं आ सकते, मुश्किल है। तो इस तरीके से गुमास्ता लाइसेंस जो है ना वो ऑफिस बेस्ड है। अगर एक कंपनी है उसके मुंबई में 50 दुकानें हैं तो 50 लाइसेंस होंगे उनके पास, पता है ऐसा है। गुमास्ता लाइसेंस जो है ना वो एक दिन में मिल जाता है नॉर्मली, और पेपर वर्क तो मैंने आपको बताया क्या क्या लगता है, क्या क्या लगता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो कॉपी और कोई भी आईडी प्रूफ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, साथ में आपका जो दुकान है वो दुकान के बाहर बोर्ड लगा हुआ होगा, वो बोर्ड का भी फोटो चाहिए। अगर ऑफिस है तो ऑफिस का जैसे कांच का दरवाजा है, उस दरवाजे पे फोटो लगा होगा तो वो भी फोटो चाहिए। उसमें मराठी में भी होना चाहिए, इंग्लिश में भी होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो अगर आप भी अपना गुमास्ता लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो देर किस बात की, नीचे दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे आपका गुमास्ता लाइसेंस बना के देने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।